हमीरपुर में पूर्व कांग्रेस युवा अध्यक्ष एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखे तंज कसे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सीरियस होकर काम नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हवा वाले मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के बनने के बाद से 2 हेलीकॉप्टर खरीदे जा चुके हैं और प्रदेश कर्जे में डूब रहा है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को आज पता नहीं है कि कहां पर आपदा से नुकसान पहुंचा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में ही आते हैं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाती थी, लेकिन आज खुद बेपरवाह होकर फिजूल खर्ची में जुटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयुर्वेदिक विभाग के घोटाले को विधानसभा में भी उठाया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार का कोई ध्यान इस ओर नहीं है। प्रदेश में पिछड़ रही कांग्रेस में जान भरने के उद्देश्य से हमीरपुर के बचत भवन में युवा कांग्रेस के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर प्रदेश के युवा कार्यकर्ताओं में नया रक्त संचार किया, तो वही कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की। वर्तमान में परिस्थितियों में किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इन सभी बातों को लेकर चर्चा की गई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी आई कमजोरी को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CWC में चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करके इस पर फैसला लेंगी। विधायक यात्रा भत्ता पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मैं आज भी अपने व्यक्तित्व पर कायम हूं, लेकिन विधानसभा में बोलने का मौका न मिलने के वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाए और इसलिए सोशल मीडिया पर ही अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जनता को दोनों पहलू देखने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई विधायकों के द्वारा बत्ते का प्रयोग तक नहीं किया गया है और पूरी उम्मीद है कि 80% विधायक अब भी बत्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेदी गृह में अनिल ठाकुर की अध्यक्षता में जिला भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें विशेष रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल तथा हमीरपुर जिला के चुनाव प्रभारी एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा उपस्थित रहे। बैठक का प्रमुख मुद्दा भाजपा के संगठन चुनाव रहा। बैठक में सर्वप्रथम प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यता अभियान का ब्यौरा लिया गया। इसके पश्चात पार्टी के आगामी कार्यक्रमों एवं संगठन चुनाव से जुड़ी विभिन्न कड़ियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हमीरपुर जिले का संगठन हमेशा ही प्रदेश में अग्रणी रहा है और इस बार भी हमीरपुर जिले का संगठन सुदृढ़ बने। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है और अब पार्टी के संगठनात्मक चुनावों का समय आया है। इन चुनावों में ऐसे कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलनी चाहिए जो पार्टी की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का काम अच्छी तरह करते हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आपस में एक पारिवारिक रिश्ते के तहत जुड़ा हुआ है, यद्यपि भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि सितंबर में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने सितंबर माह में कुछ एक कार्यक्रम मंडल स्तर पर आयोजित करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त 25 सितंबर को पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है एवं 14 से 20 सितंबर तक पार्टी सेवा सप्ताह मनाने जा रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जिस प्रकार हमीरपुर जिला संगठन की दृष्टि से हमेशा अग्रणी रहकर काम करने के लिए जाना जाता है, उसी तरह इस बार भी सुदृढ़ संगठन हमीरपुर जिला का बनेगा और 2022 के चुनावों में हमीरपुर से 5 के 5 विधायक जीत कर विधानसभा में भेजेंगे।
इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एचआरटीसी की 22 चेयरमैन विजय अग्निहोत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन के चुनावों में पार्टी का काम जिम्मेदारी से निभाने वाले कार्यकर्ताओं को अहमियत मिलनी चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए हमीरपुर जिला के चुनाव प्रभारी एवं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि हमीरपुर जिला ने सारे प्रदेश को दिशा दी है, तो हमीरपुर का संगठन सशक्त बने और सर्वसहमति से बने, ऐसी उनकी आशा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के चुनाव विवाद रहित होने चाहिए एवं इन चुनावों में पार्टी की सभी प्रमुख एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं की संलिप्तता सुनिश्चित होनी चाहिए। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, एचआरटीसी के 22 चेयरमैन विजय अग्निहोत्री, भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी, प्रदेश सचिव विजयपाल सोहारू, महामंत्री राकेश ठाकुर, अजय शर्मा, राम प्रकाश पटियाल, कोषाध्यक्ष तेज प्रकाश चोपड़ा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश शर्मा इत्यादि सहित अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मार्मी शहर के गांधी चौक पर एक महिला के साथ हुए कथित शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के मामले में घुमारनी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल हुई कार को भी आज अपने कब्जे में ले लिया। बताते चलें कि जाहू क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने आरोपी के खिलाफ उसे जबरदस्त गाड़ी में बैठाने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का भी आरोप लगाया था। आरोपियों के खिलाफ ये भी आरोप था कि इन लोगों ने इस महिला तथा इसके साथ महिला के बेटे सहित एक अन्य युवक को भी लोहारवी के आसपास बेरहमी से पीटा था। शिकायतकर्ता की शिकायत पर घुमारनी पुलिस ने मामले के आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354D, 323 व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। घुमारनी पुलिस ने तीनों शिकायतकर्ताओं का मेडिकल करवा दिया। घुमारनी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी घुमारनी राजेंद्र कुमार जसवाल ने बताया कि पुलिस ने मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की छानबीन जारी है।